सभी लोगों का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो बात करने वाले हैं ओएसपीएम प्रोटोकॉल्स के बारे में, वो कुछ टॉपिक ये हैं। ओएसपीएफ नेटवर्क टाइप्स क्या होते हैं और डीआर बीडीआर क्या हैं, ठीक है, उनके इलेक्शन कैसे होते हैं, ठीक है, और वो किन प्रोसेस से गुजरते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओएसपीएफ में नेटवर्क टाइप्स जो हैं वो कुछ ये हैं, छह टाइप के होते हैं, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट होते हैं। इनके जो डिफॉल्ट मोड हैं वो एचडीएलसी हैं, ट्रिपल पी हैं, एफ आर फ्रेम रिले होते हैं, एक्स सब इंटरफेस है, ठीक है। इसमें डीआरबी डर का कनेक्शन नहीं होता है, इसमें प्रायोरिटी भी नहीं होती है। हेलो एंड डेड टाइमर्स हैं आपके, हेलो टाइमर्स 10 सेकेंड है, डेड टाइमर 40 सेकेंड है, ठीक है। इसमें नेबरशिप आपका फॉर्म होता है डायनेमिकली, एजेंसी ऑफ नंबर वन, एजेंसी जो नंबर होते हैं वो वन होते हैं ओनली, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट के बाद आपका आता है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। इसमें डिफॉल्ट मोड कुछ भी नहीं है, डीआरबी डर के इलेक्शन भी नहीं होती, इसमें प्रायोरिटी भी नहीं होता है, ठीक है। और हेलो एंड डेड टाइमर्स इसमें होता है, हेलो टाइमर 30 सेकंड पे भेजता है आपका और डेड टाइमर 120 सेकंड पे होती है। इसमें भी जो नेबरशिप फॉर्म होता है वो डायनेमिकली होता है और इसमें एडजेसेंसी जो है आपका मल्टीपल होते हैं। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट के बाद जो आपका आता है वो ब्रॉडकास्ट है। ब्रॉडकास्ट मीन्स कैसा है कि मल्टीपल राउटर हैं और आपका बीच में जो एक स्विच लग जाए, ठीक है, सॉरी, बीच में आपके स्विच लग जाने के बाद जो ईथरनेट की कनेक्टिविटी होती है राउटर के बीच में, ठीक है, तो वो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क बन जाते हैं आपके। उसमें डीआरपी डर के इलेक्शन होते हैं, प्रायोरिटी होती है, और ओएसपीएफ की प्रोटोकॉल्स में जो प्रायोरिटी होती है बाय डिफॉल्ट वन होती है, ठीक है। उसमें हेलो एंड डेड टाइमर जो होते हैं 10 और 40 सेकंड होते हैं, ठीक है। हेलो आपका 10 सेकंड में करेगा आपको सारा कुछ और डेड टाइमर्स आपकी 40 सेकंड है। इसमें भी नेबरशिप जो फॉर्म होता है डायनेमिकली होती है, एडजेसेंसी ऑफ नंबर मल्टीपल होते हैं, ठीक हो गया ये। नॉन ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, इसमें जो आपकी डिवाइस होती है फ्रेम रिले मेन होता है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे, मैं आपको लैब दिखा दूँ यहाँ पे, ये मैंने थोड़ा सा डिजाइन किया हुआ इस पर, ठीक है, ये इसकी कमांड है, ओके, आप इस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी तो एनवायरनमेंट में नहीं मिलेंगे आपको ज़्यादातर, हो सकता है आपको देखने मिल जाए कहीं पे, ठीक है। और सब इंटरफेस है मल्टीपल पॉइंट मल्टी पॉइंट है, ठीक है। इसमें भी डीआरबी डर कलेक्शन होते हैं, प्रायोरिटी होती हैं, और हेलो एंड डेड टाइमर जो है 30 सेकेंड, डेड टाइमर 120 सेकेंड। इसमें नहीं, बस ये मैनुअली फॉर्म होते हैं, ठीक है, एडजेंसी ऑफ नंबर मल्टीपल। उसके बाद आपका आता है पॉइंट टू पॉइंट नॉन ब्रॉडकास्ट, ठीक हो गया। इसमें डिफॉल्ट मोड आपका कुछ भी नहीं है, डीआरबी डर का इलेक्शन भी नहीं होता, इसमें प्रायोरिटी भी नहीं होती है, और आपका यहाँ पे हेलो एंड डेड टाइमर जो है, हेलो टाइमर 30 सेकेंड है, डेड टाइमर 120 सेकेंड है, ठीक है। इसमें नहीं, बस मैनुअली फॉर्म होते हैं, एडजेंसी से आप नंबर आपके मल्टीपल होते हैं। वर्चुअल लिंक्स में हेलो टाइमर सपोर्टेड हैं और नेबरशिप फॉर्म डायनेमिकली होते हैं, नंबर ऑफ एजेंसी से वन है, ठीक है। लूप बैक आपको पता ही, हमने पिछली बार बात कर चुके हैं, एक वर्चुअल कनेक्टिविटी होती है जो हम चेक कर रहे होते हैं। इसका भी आप राउटर में जब ओएसपी प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं तो उसमें लूप बैक आईडी बना रखते हैं, आपको रिक्वायरमेंट के ऊपर होती है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा ये मैंने कुछ थ्योरी लिख रखी है, डीआरबी डीआर क्या है, ठीक है, और ये कैसे काम करते हैं। डीआर और बीडीआर ये आपस में जो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं उनकी एक आईपी एड्रेस होती है जो यूनिक है, 224.0.0.6,
ये सिर्फ डीआर और बीडीआर ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए ईआईपी यूज करते हैं, ठीक है। और डीआर और डीआर अदर्स, ठीक है, ओएसपी प्रोटोकॉल्स में जैसे मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे ये राउटर और ये राउटर, यहाँ पे एक राउटर है, यहाँ पे एक राउटर है और यहाँ पे एक राउटर, ये आपस में कनेक्टिविटी है। ठीक हो गया। अब देखिए, ये आपका डीआर राउटर है, ठीक हो गया, और ये आपका बीडीआर है, यहाँ पे बीडीआर राउटर। अब होता क्या है, जैसे कि आपका एक नेटवर्क, ये जो लास्ट वाला नेटवर्क है, ये आपका सपोज लिंक टूट गया, ठीक है। अब होगा क्या, डीआर बीडीआर में ये राउटर जो है से आपको डीआर को इन्फॉर्म करेगा, ठीक है, यहाँ पे डीआर को इन्फॉर्म करेगा कि हमारे पास ये कनेक्टिविटी नहीं है। अब डीआर क्या करेगा कि ये सारे राउटर को बताएगा, मतलब ये जो राउटर था ये सबको बताते नहीं बैठेगा, मतलब इसको भी इन्फॉर्म करे और फिर इस राउटर को भी इन्फॉर्म करे, इससे और भी मल्टीपल कनेक्टिविटी जो रहेगा राउटर को, ठीक है, वो एक एक करके सबको नहीं करेगा, वो सिर्फ डीआर को इन्फॉर्म करेगा कि हम अब ये कनेक्टिविटी इससे मेरा नहीं रहा। और वो जो डीआर है उसका काम है, अब वो सभी राउटर को बताएगा, भाई इससे जो हमारी कनेक्टिविटी थी पहले अब उससे नहीं है, ये अदर्स एक नेटवर्क हैं जो कि आप यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए जा सकते हैं आप, ठीक है, अगर कनेक्टिविटी है तो बताएगा, नहीं है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो सब लोग अपनी टोपोलॉजीज और राउटिंग टेबल्स में, नेबर टेबल में सारा कुछ चेंजेस कर लेंगे। आपको ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया रहेगा, ठीक है। डीआर बीडीआर के बीच बीच में जो कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, वो एस आई पी के थ्रू होती है। डीआर टू डीआर अदर के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है वो इस आई पी एड्रेस पे हो रही होती है। अब इलेक्शन का प्रोसेस क्या है डीआर बीडीआर का, फर्स्ट आपका प्रायोरिटी पे होती है जो डिफॉल्ट प्रायोरिटी 1 होती है, ठीक है, तो इस पे बहुत ही चांस कम है कि इलेक्शन इस पे सक्सेस हो पाए, ठीक है, क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सबका 1 ही होता है, और हर कोई राउटर जब एक्टिवेट होता है सारे कुछ प्रोटोकॉल्स हम लोग रन कर चुके होते हैं ना, और नेबर से फॉर्म हो जाते हैं फिर भी वो अपना डिफॉल्ट प्रायोरिटी 1 होता है, तो हर कोई अपने आप को डीआर ही समझता है। सेकेंडरी आपके इंटरफेस आईपी एड्रेस, मतलब जिस लिंक की आईपी एड्रेस हाईएस्ट होगी वो आपका डीआर राउटर बन जाएगा, और उससे जो लोवेस्ट आईपी एड्रेस होगी वो आपका बीडीआर राउटर बन जाएगा, ठीक है, या फिर उसी राउटर पे आपका हाईएस्ट लूपबैक आईपी एड्रेस होगा वो आपका राउटर आईडी होगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन जो है, जो कि आप सबसे ऊपर इसको आप रख सकते हैं, जैसे कि आपको जिस राउटर को डीआर राउटर बनाना चाहते हैं कि हर किसी को ये कोई भी चेंजेस हो नेटवर्क में, है ना, कन्वर्जेंस जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है, तो वो सारा कुछ काम करे, उसकी मेमोरी अच्छी है, प्रोसेसर अच्छा है, कोई इशू नहीं है, उस राउटर को हम डीआर बना दें, तो उसको डीआर बनाने के लिए प्रायोरिटी उसकी चेंज कर दीजिए, ठीक है। डिफॉल्ट 1 होता है, मतलब 1 से लेके आपका 255 तक का होता है आपका, ठीक है। चलिए थोड़ा सा लैब की तरफ हम जाते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी 40 आईपी एड्रेस है, ये 50 आईपी एड्रेस है, तो ये खुद को आपको डीआर समझ रहा होगा राउटर, ये भी डीआर समझ रहा होगा, ये अपने आपको डीआर समझ रहा होगा राउटर, टू भी डीआर समझेगा, ये भी समझेगा, पर जब नेबर से फॉर्म होती है उसमें इलेक्शन होता है तो प्रायोरिटी पे तो कर नहीं सकता, हर किसी की प्रायोरिटी सेम होती है। मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको, सो आई पी ओ एस पी एफ इंटरफेस, पहले 0/0 का देखते हैं, ठीक है, इंटरफेस एड्रेस ये हो गया आपका, एरिया 0 में, राउटर आईडी 30 है,
देखो ये राउटर पहले बता दिया, हमारा राउटर आईडी 31, ये लास्ट वाला जो है ना, हमने किसका चेक किया, 0/0 का चेक किया, पर उसके नेटवर्क में जो राउटिंग टेबल में है वो 30 का बड़ा हुआ है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। स्टेट कौन सा है आपका? डीआर में। प्रायोरिटी कितनी है इसकी? 1। ठीक हो गया, ओके। लास्ट फ्लडिंग स्कैन, ठीक है। ये जो फ्लडिंग का इसमें है, जो पैकेट्स होते हैं, इसको मेन बार बार नेटवर्क में डिस्टरबेंस ना हो, इसके लिए ही डीआरबीडीआर कनेक्शन होता है मेनली। ठीक है, ओके। सो आईपी ओएसपीएफ नेबर देखते हैं। ये देखिए, जिसकी हाईएस्ट आईपी एड्रेस है वो आपका फुल डीआर में आ गया, और जो थोड़ा सा लोवेस्ट है ना 26 में, वो बीडीआर है, बैकअप डिजिनेटेड राउटर। जब भी आपका ये राउटर या ये कनेक्टिविटी फेल हो जाती है किसी कारण, तो ये आपका डीआर का काम कर सके। ओके, इसी तरीके से हम राउटर 1 पे देखेंगे। सो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस, ठीक है, 0/0। राउटर आईडी इसमें 20 का है, क्योंकि देखिए इसमें भी दो नेटवर्क हैं, एक 10 की है आपका, एक 20 का है, पर ये 20 की राउटर आईडी बनेगी। ठीक है, और अभी आपको क्या दिखाना है? ओके, प्रायोरिटी हो गया, हाईएस्ट आईपी एड्रेस हो गई, और एक लूप बैक एड्रेस हो गया। ओके, लिस्ट कॉन्फिगर। एड्रेस लूप बैक 0, ठीक है। ओके, आईपी एड्रेस 50.50.50.255.255.255. ओके, सो आईपी इंटरफेस पास इथरनेट 0/0। मल्टी कार रिजर्वेड ग्रुप ज्वाइनिंग, ठीक है, ये आईपी एड्रेस जो मैंने आपको बताया था अभी। ओके, ओएसपीएफ पास इथरनेट 0/0। ओके, ओके, फुल डीआर समझ रहे हैं इसको, और राउटर आईडी चेंजेस नहीं हुए भी। वेट अप 40 सेकेंड। ओके, ये थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। इस पे जो यहाँ पे नहीं होता, जो मैंने हाईएस्ट लूप बैक एड्रेस रखा था, ठीक है, तो मैंने चेक किया इस पे क्यों नहीं हो रहा है करके, क्योंकि ये और ये राउटर हमारा बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था। ठीक है, अर्जेंसी अभी फॉर्म हुई तो मैंने यहाँ पे जाके देखा, मैंने जो कमांड चलाई, एक लूप बैक एड्रेस बनाया यहाँ पे, ठीक है, और उसकी आईपी एड्रेस हाईएस्ट ये रख दी, वहाँ पे 50 का रखा था मैंने, ठीक है, और उसके बाद में ये कमांड चलानी होती है आपको, या फिर आप रिलोड कर सकते हैं, डू क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस, ठीक है, और एंटर करेंगे और यस करेंगे। ओके,
ये फिर से आपका एनिवर्सरी फॉर्म होता है, और वो जो हमने फाइनाइट स्टेट मशीन में किया था, चेक किया था कि क्या क्या चीज़ें मैच करनी चाहिए, है ना, एनिवर्सरी फॉर्म हमने। और यहाँ पे देखेंगे अभी IPOS पे प्रोसेस इंटरफेस, इसकी राउटर आईडी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। ठीक है, राउटर आईडी आपकी क्या होगी, 100 की। इससे पहले मैं दिखा दूँ आपका, यहाँ पे था ये देखिए 50 की आईपी मैंने दे रखी थी, इसलिए यहाँ पे 50 की राउटर आईडी थी। अभी हमारा ये 10 के नेटवर्क स्कीम में, ठीक है, नेबर सिप ये जो है राउटर 5 10.0.0.1 10.0.0.2। ओके, और मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ 200 IP इंटरफेस ब्रीफ। ठीक हो गया सारा कुछ, ठीक है, ये हमारा लूप बैक का प्रोसेस था जो क्लियर हो गया। अगर हम फिर से चाहें कि राउटर आईडी हमारा वो चेक हो और 200 IP SPF नेबर, वन सेकेंड, IPOSPF नेबर, ठीक है, फुल DRO है क्योंकि मैंने उसकी प्रायोरिटी कितनी रखी है, 255। ये अगर आप चाहते हैं राउटर 5 वाला फुल DRBDR बने, तो इसकी प्रायोरिटी हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। ओके, IPOSPF, ठीक है, प्रायोरिटी की कमांड डालेंगे और इसको डिफॉल्ट जो 1 होता है वो कर देंगे, डू WR वेल सेविंग। ओके, इसकी प्रायोरिटी हम चेंज करते हैं यहाँ पे, ठीक है, IPOSPF। IPOSPF प्रायोरिटीज की 255। ओके, सेम कमेंट चलाएंगे 200 के लिए IPOSPF प्रोसेस, यस, ओके। डन इट, टाइम लगेगा। सो गाइज, इस वीडियो में हमारी काफ़ी कुछ क्लियर हुई, और सिर्फ एक टॉपिक रह गई हमारी, जो प्रायोरिटी चेंज करते हैं बाय डिफॉल्ट, जैसे कि हमने ये राउटर 5 हमारा है, इसको DR बना के रखें या राउटर 2 को, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये कमांड तो दी, यहाँ पे है IPOSPF प्रोसेस प्रायोरिटी 255, जो कि बाय डिफॉल्ट इसका 1 होता है। ये चेंजेस होने पे आपका जो ये राउटर है उसको आप DR राउटर एज वर्क करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे इसमें तो नहीं हो रहा है, हम नेक्स्ट वीडियो में चेक कर लेंगे, ठीक है, और फिर आपको मैं शो कर दूंगा। इस वीडियो में इतनी, ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, तो होप कि आपको इस वीडियो में काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका प्यार बनाए रखें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।